आद्या आपको कि मैंने यहाँ पे 4G क्यों लिखा? सर वीडियो तो पॉज हो गया था सर। 4G मतलब जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, क्या होता है? मास इनटू एक्सीलरेशन। जी क्या है आपका? ग्रेविटेशन है। मास कितना इसका? 4 है, तो फोर्स कितना लगेगा इस पे? 4 इनटू एक्सीलरेशन। ठीक है, यस सर। ठीक, तो इस पर नेट फोर्स कितना है 4kg वाले पर? T-4g नेट फोर्स हो जाएगा। और नेट फोर्स आपको पता होता है कि क्या होता है? मास इनटू एक्सीलरेशन। इसको m1 चाहो तो m1 लिख दो, m1 इनटू a T-4g। m1 की वैल्यू रखना चाहो तो रख दो, नहीं तो अभी ऐसे छोड़ दो। इसको बोल देंगे इक्वेशन नंबर 1। अब हम बनाएंगे FBD किसकी? सेकंड वाले की FBD बनाओ, 8kg वाली की FBD बनाओ। 8kg वाला ब्लॉक ऐसे है, इस पे ऊपर लग रहा है T, नीचे कितना लगेगा? 8g। और ये ब्लॉक किधर जा रहा है? ये ब्लॉक भी नीचे ही आ रहा है। कितना एक्सीलरेशन से? 8 एक्सीलरेशन से। तो क्या इक्वेशन बनेगी इसकी? हाँ, तो इक्वेशन क्या बनेगी? नेट फोर्स कितना हो जाएगा इस पे? 8g माइनस T, क्योंकि नीचे वाला फोर्स ज्यादा है। ये किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा m2a के। किसके बराबर होगा ये? m2a के। ये बात समझ में आई? तो वो हो गया इक्वेशन फर्स्ट। और ये हो गया m2 की वैल्यू डाल दो, आप चाहो तो m2 की वैल्यू डाल दो। यहाँ पे m1 कितना है? m1 आपका 4 है, तो 4a इक्वल टू T-4g। ये फर्स्ट हो जाएगा। यहां पर भी डाल दो m2 की वैल्यू। 8a इक्वल टू 8g माइनस। अब इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन टू सॉल्व करके हम लोग T और A, कितने वेरिएबल्स है हमारे पास? एक तो T निकालना है और एक A निकालना है। तो T और A हम लोग, हमारे पास दो इक्वेशन है और दो ही वेरिएबल है, तो हम लोग इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले A निकाल लेते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड के साथ ऐड करो, फर्स्ट प्लस सेकंड करो। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है? 4a इक्वल टू T-4g और 8a इक्वल टू 8g माइनस। तो यहां पर प्लस का t है या माइनस का t है, तो t से t कट जाएगा। एडिशन कर रहा हूं मैं, 8a प्लस 4a कितना हो जाएगा? 12a हो जाएगा। 8g माइनस 4g कितना हो जाएगा? 4g हो जाएगा। तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4g बाई 12। 4 × 3 = 12 होता है, g की वैल्यू पुट कर दो, g होता है 10। तो 10/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपका एक्सीलरेशन आ जाएगा। 10/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सीलरेशन आ गया। अब टेंशन निकालनी है मुझे, तो किसी भी इक्वेशन में डाल दो, फर्स्ट में डाल दो चाहे सेकंड में डाल दो, टेंशन की वैल्यू आ जाएगी। किसमें डाले? फर्स्ट में डालते हैं। टेंशन इक्वल टू, नाउ टेंशन, बात कहनी है आपसे। हाँ बोलो। ये 8g - 4g होगा। हाँ, आपने दोनों का ऐड इधर, हाँ एडिशन कर रहा हूँ ना। अच्छा, एडिशन कर रहा हूँ, साइन चेंज नहीं होगा। सब्ट्रैक्शन करता तो साइन चेंज होगा। अच्छा ठीक है, ठीक है ना। नाउ टेंशन इक्वल टू टी बराबर क्या होगा इस इक्वेशन में डालो? 4a + 4g। 4a + 4g आपका टेंशन हो जाएगा। 4a की वैल्यू मैं निकाल चुका हूं, तो 40/3 + 40 सॉल्व करो इसको। 3 × 4 = 160/3 आएगा शायद। तो टेंशन आ जाएगा आपका 160/3 न्यूटन। 160/3 न्यूटन देखो, सॉल्व कर देख लेना, 160/3 न्यूटन होगा। ठीक है, आया समझ में आप लोगों को? तो क्वेश्चन ही जनरल लेते, जनरल फॉर्मूला। ठीक है, जनरल फॉर्मूला फॉर 1 pulley and 2 block problems। ठीक है, जिसमें एक पुली हो, एक पुली ले ली मैंने, थोड़ा सा इधर डायग्राम बनाता हूं। इसमें इधर मास ले लेते हैं हम लोग m1, इधर मास ले लेता हूं मैं m2, और ये इधर हिंज लग रहा है। और मुझे ये गिवन है कि M2 जो है
वो M1 से बड़ा है, M2 जो है वो M1 से बड़ा है, तो ये ऑब्वियसली ये ग्राउंड, ऑब्वियसली M2 जो होगा वो नीचे आएगा, सपोज करो A एक्सीलरेशन से आ रहा है और ये ऊपर जाएगा कितने एक्सीलरेशन से, A एक्सीलरेशन से, इस पर टेंशन लग रही है ऊपर, टेंशन हमेशा ऊपर की लगेगी, ठीक है, ब्लॉक पे देखोगे तो टेंशन ऊपर ही बनाना, अवे फ्रॉम द ब्लॉक, नीचे इस पे लग रहा है क्या M1G, इस पे भी नीचे क्या लगेगा M2G, अब मैं डायरेक्ट बार बार FBD नहीं बनाऊंगा, अब मैं डायरेक्ट इस पे लिखूंगा, देखो क्या इस वाले की इक्वेशन क्या बनेगी, M1 वाले पर T-M1G, और ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा M1A के, ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट बन गई। फिर इस वाले के लिए, सेकंड वाले M2 ब्लॉक के लिए देखो, जिसका मास M2 है, इस वाले ब्लॉक के लिए देखो, ये नीचे जा रहा है तो कौन बड़ा, M2G बड़ा, तो M2G नेट फोर्स हो जाएगा M2G-T, ये नेट फोर्स हो जाएगा, ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा M2A के, ठीक है। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करके एक्सीलरेशन की वैल्यू निकालने और टेंशन की वैल्यू निकालनी है, तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं फॉर एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन के लिए क्या करो आप, इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से ऐड करो, तो जब ऐड करोगे तो टी से टी कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, डायरेक्ट लिखूंगा मैं ए दोनों में कॉमन है, ए M1 + M2, और इधर आ जाएगा टी से टी कट जाएगा, तो इधर आएगा M2 - M1 G कॉमन है दोनों में, टी से टी कट गया, जी कॉमन है, जी कॉमन ले लोगे तो अंदर बचेगा M2 - M1, तो एक्सीलरेशन आ जाएगा यहाँ पे M2 - M1 / M1 + M2 × G, ये जनरल फॉर्मूला आ गया एक्सीलरेशन का। कभी भी आपको दो ब्लॉक दे रखे हैं तो हैवी वाले में से लाइट वाले का माइनस कर दो, नीचे दोनों के मास का सम कर दो, इंटू जी कर दो, एक्सीलरेशन आ जाएगा डायरेक्ट। अब निकालना हमको टी, टेंशन के लिए देखो, फोर टी के लिए क्या करें, टेंशन निकालने के लिए हाँ हमें जी को हटाना पड़ेगा, सॉरी ए को हटाना पड़ेगा, तो उसके दो तरीके, या तो इस वाली इक्वेशन को M2 से मल्टीप्लाई करो और इस वाली इक्वेशन को M1 से मल्टीप्लाई करो और फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है, तो देखो क्या आएगा, M2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं इसको, तो इधर आएगा M1 M2A = M2T - M1 M2 G, और नीचे वाले में क्या आएगा, अगेन नीचे वाले में M1 M2A माइनस, पहले टी वाले को पहले लिखते हैं, -M1T + M1 M2G, ठीक है। अब मुझे ए को हटाना है तो उसको मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा, सब्ट्रैक्ट माइनस माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, ये आता ही आपको सब्ट्रैक्ट करना, तो ये वाली क्वांटिटी कट जाएगी, इस वाले में क्या होगा, देखो दोनों प्लस प्लस के हैं, इधर तो आपके बचेगा लेफ्ट हैंड साइड में जीरो, इधर इन दोनों में देखो टी कॉमन है तो टी कॉमन ले लो, अंदर बचेगा M1 + M2, और इधर क्या हो जाएगा, ये भी माइनस ये भी माइनस, तो दोनों ऐड हो जाएंगे, कितना हो जाएगा -2 M1 M2 G आ जाएगा, -2 M1 M2 G, तो फाइनली टी क्या आएगा, ये आएगा आपका राइट हैंड साइड में इधर, और फिर M1 M2 नीचे डिवाइड में आ जाएंगे, तो टी जो आएगा फाइनली टी का जनरल फॉर्मूला बन जाएगा 2 M1 M2 / M1 + M2 × G कर दो, तो ये डायरेक्टली याद रखो, तो आपको पूरी इक्वेशन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट याद रखो दो ब्लॉक्स के लिए, आया समझ में कुछ।